आज मैं यहाँ लेके आया हूँ ठंडी स्पेशल मटर गाजर आलू गोभी की सब्जी, जो खाए माँ बहुत ही स्वादिष्ट लगते, बहुत आसान तरीका माँ लेके आया हूँ। आलू गोभी मटर गाजर की सब्जी बनाए बार एक ले लूँ मैं यहाँ एक कटोरी गोभी, एक कटोरी आलू, एक कटोरी गाजर जेला मैं काट के रख ले हूँ, एक कटोरी मटर ले हूँ जेला मैं छिल के रख ले हूँ, 3 टमाटर है जेला मैं यहाँ धो के रख ले हूँ। कढ़ाई ल रख दे हूँ गरम करे बार, और जैसे कढ़ाई है गरम हो इसे मैं डाल दूँ जरूरत के हिसाब से तेल, तो तेल है गरम हो गए। अब डाल दूँ एक छोटे चम्मच जीरा, बारीक कटे हुए लहसुन, हरा मिर्ची, प्याज, सब वाले संगे में डाल के हल्का लाल के हुआ तले भूंज लूँ। अब डाल दूँ आलू और गोभी दोनों लसंगे में डाल के ढक्कन ढाक के हल्का लाल के हुआ तले भूंज लूँ। तो एक आलू गोभी हल्का लाल के हुआ तले भूंजा गया हावे, और बाद डाल दूँ गाजर ला, गाजर डालने के बाद सब बोला मिक्स कर लूँ, गाजर ला हल्का से भूंज लूँ। तो एक आलू गोभी गाजर है भुंजाए के बाद अब डाल दूँ मटर ला, मटर के ऊपर से जब तक तो सफ़ेद सफ़ेद जैसे नहीं आ जाए झिल्ली जैसे तब तक से मटर ला भूंज लूँ। तो एक आलू गोभी गाजर मटर है भुंजा गया हावे, और बाद डाल दूँ टमाटर ला, टमाटर डालने के बाद डाल दूँ स्वाद अनुसार नमक और सबोला मिक्स कर लूँ, और टमाटर गलत ले आने की टमाटर के पकत ले बढ़िया से और पका लूँ। तो एक टमाटर के साथ ही साथ हमार सब्जी है बढ़िया से भुंजा गया हावे, यानी कि बढ़िया से पक गया हावे। तो एक डाल दूँ मैं 1 चम्मच हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर और गरम मसाला, सबोला बढ़िया से मिक्स कर लूँ, और कम से कम 10 मिनट ढक्कन ढाक के और पका लूँ, यानी कि सबोला बढ़िया से और भूंज लूँ। तो एक 10 मिनट हो गए, और आप मन हाथ देख सकते हो कितना बढ़िया दिखत है गाजर आलू गोभी के सब्जी है, कितना स्वादिष्ट बन के तैयार हो गए। तो एक बार यही तरीका से मोर तरीका से गाजर आलू गोभी के सब्जी ला बना के देखो, खाओ, अपन अनुभव ला मोर सांसर करो। उम्मीद है आज की वीडियो आप मन ला पसंद आए होगी। आज की वीडियो है आप मन ला कैसे लागी से कमेंट में लिखे पर झन भूलो, ज्यादा से ज्यादा वीडियो ला लाइक करो, और हमारे छत्तीसगढ़ के स्वाद और व्यंजन ला कोना तो कोना तक ले जाए के लिए ज्यादा से ज्यादा वीडियो ला शेयर करो, चैनल ला सब्सक्राइब करो।